हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आरती और वेलकम टू आरती मल्टी टिप्स। तो कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थ्रेडिंग, किस तरह से आपको थ्रेडिंग बनानी है, किस तरह से आपको थ्रेड पकड़ना है और आपको दूसरे इंसान की थ्रेडिंग बनानी है। तो सबसे पहले हमें लेना है थ्रेड, इस तरह का आपको थ्रेड ले लेना है जैसे मैंने लिया है। और उसके बाद आपको इतना लेंथ आपको निकाल के रखना है जितना आपको हाथ आपका आईब्रो तक पहुंचे, ठीक है? तो इस तरह से आपको इसे अपने मुंह में रख लेना है, ठीक है? ऐसे मुंह में रख लेना है आपको और इतना लेंथ छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको इस तरह से देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको अपने हाथों में 5 बार इसको रोल कर लेना है, ठीक है? मैं एक बार और बता देती हूँ, इतना लेंथ आपको रखना है जिससे मैंने रख रखा है। उसके बाद आपको इस तरह से रोल करना है अपने हाथों में, इस तरह से 5 बार आपको रोल करने के बाद आपको इस तरह से अपना थ्रेड चलाना है, ठीक है? बड़ा इजीली अपना थ्रेड है वो, बिल्कुल अपना थ्रेड को अपने मुंह से खींचना है इस तरह से, जैसे मैं खींच रही हूँ ऐसे आपको अपने मुंह से खींचना है। ज्यादा जोर अपने आपको मुंह पे देना है इस तरह से, ना आपको हाथ पे भी नहीं देना है, ठीक है ना? जो आपका थ्रेड का धागा है वो इस तरह से चलेगा, ठीक है? और बड़े हल्के हाथों से चलाना है आपको, बिल्कुल भी टाइट धागा नहीं चलाना है। टाइट धागा अगर आप चलाओगे तो आपकी जो स्किन है, अगर आईब्रो बनाओगे तो आपकी स्किन है वो उस पर कट लग सकता है, ठीक है? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर करना, कमेंट में बताना जरूर कैसी लगी हमारी वीडियो। तो चलिए वीडियो देखते हैं, हमने थ्रेडिंग पूरी कंप्लीट बना रखी है तो आपको थ्रेडिंग दिखाते हैं किस तरह से बनानी है, ठीक है? गाइज हमने ले लिया है थ्रेड, ये हमारी कस्टमर की थ्रेडिंग है जो हमें बनानी है। हमने सबसे पहले पाउडर लगा लिया है, तो आपको इस तरह से पाउडर लगा लेना है और पाउडर लगाने के बाद आपको थ्रेडिंग बनानी है। इस तरह से स्ट्रेच करना है दोनों हाथों से आपको, जैसे हमारी कस्टमर ने कर रखा है, ठीक है? इसके बाद आपको थ्रेडिंग से आपको फर्स्ट में इनका जो फर्स्ट है थ्रेडिंग में बाल है आपको फर्स्ट आगे से ही निकालना है और हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे निकालते रहना है। देखिए किस तरह से मैं अपने धीरे धीरे थ्रेडिंग में से बाल निकाल रही हूँ, ऐसे आपको निकालते निकालते बीच में आ जाना है। देखिए इस तरह से आपको थ्रेडिंग चलानी है, बिल्कुल हल्के हाथों से थ्रेडिंग चलानी है और चलाते चलाते एकदम लास्ट तक आपको पहुंच जाना है। ज़्यादा बाल नहीं है हमारी कस्टमर की आईब्रो में, तो बड़ी इजीली हमने कस्टमर की आईब्रो थ्रेडिंग हम बना रहे हैं। देखिए किस तरह से हमने धीरे धीरे करके इनकी सारी ग्रोथ हटा दी है, आईब्रो की शेप आ गई है फुल तरह से इनकी थ्रेडिंग में। अब हल्के हल्के हाथों से हमें जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं हमें वो निकाल देने हैं इनकी थ्रेडिंग में से, जैसे हम निकाल रहे हैं। आप ध्यान से देखिए किस तरह से हमने छोटे छोटे बाल को निकाला है, एकदम शेप से निकाल रहे हैं हम बालों को। और ना ही हमारा धागा ज़्यादा टाइट चल रहा है, ना ही हल्का चल रहा है, एकदम मीडियम चल रहा है जिस तरह से हमें हो जाए। तो आपको भी इसी तरह से थ्रेडिंग में से बाल निकालना है, देखते रहिए। तो देखिए किस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें सीजर से हल्के हल्के ऊपर से जो एक्स्ट्रा लेंथ आ रखी है उसे हमें कट कर देना है, शेप ले लेनी है। हमें आर्च शेप बना रहे हैं हम, आर्च शेप में हमें कट कर देनी है। हमने कट कर दिया, कट करने के बाद जो थ्रेडिंग पे ऊपर एक्स्ट्रा हेयर है ये हमें निकाल देना है, थ्रेडिंग से अच्छे से निकाल देना है भाई से, एकदम जो हमारी लेंथ अलग ही दिखे बनी हुई कि हमने आर शेप दिया है इनको। बड़े ही आराम से हमें निकालना है थ्रेडिंग कि हमें एक्स्ट्रा बाल हमारे ना निकल जाए। तो किस तरह से हमने देखो एक्स्ट्रा बाल निकाले इनके हेयर में से, थ्रेडिंग में से। अब देखिए पूरी आर्ज शेप आ रखी है, एकदम आर्ज लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आर्ज शेप आ रखी है। और आपको हल्के हल्के हाथों से जो इनके बीच की लेंथ है, जो यानी जो बीच में बाल है वो भी आपको हटा देने हैं। देखिए किस तरह से हमने हटा दिया। और अगर एक्स्ट्रा बाल आपके रह जाते हैं बाद में तो आप इसे थ्रेडिंग से नीचे से हल्का हल्का स्ट्रेच करा के पकड़ा सकते हैं। तो इसी तरह से हमने दूसरी थ्रेडिंग पे आ गए। अब दूसरी थ्रेडिंग हमें बनानी है, उसमें भी हमने हल्की हल्की ग्रोथ निकाल ली है इनकी, जैसे हमने इनके फर्स्ट हेयर में से थ्रेडिंग में से निकाला था। धीरे धीरे आपको भी इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट में किया था आपको इसी तरह से निकालना है। शुरू में आपको इनको आगे से हल्के हल्के बाल निकालने हैं, फिर धीरे धीरे करते करते आपको बीच में आ जाना है, थ्रेडिंग के बीच की ग्रोथ है आपको उसको हटानी है, जैसे हम अपनी इस थ्रेडिंग में से निकाल रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, हल्का हल्का थ्रेडिंग चलाना है और थ्रेडिंग में सिर्फ शेप देना है आपको। एक्स्ट्रा हेयर आपको नहीं, हेयर निकालते ही आपकी दोनों आईब्रो अलग अलग हो जाएगी। तो हमें हल्के हल्के हाथों से दोनों थ्रेडिंग में से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेयर निकालनी है, सिर्फ हमें शेप देना है, ठीक है? इसी तरह से आप भी अपने कस्टमर के थ्रेडिंग में शेप देना, ना ही एक्स्ट्रा बाल निकालना। देखिए किस तरह से हमने शेप दिया, बिल्कुल डिटो सेम सेम शेप आया है आर्ज एकदम। हमें इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट में थ्रेडिंग कट की थी सीजर से, इस तरह से हमने सेकंड थ्रेडिंग को भी कट कर देना है बराबर से। एक्स्ट्रा नहीं काटना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काटते आपकी थ्रेडिंग। तो हमें हल्का हल्का शेप देना है, इनके बीच के बाल में जरा सा ग्रोथ ज़्यादा आ रखा था तो हमने उसे भी कट किया है।
ऐसे आपको कट कर देना है, बराबर दिखना है आपको। उसके बाद हमने थ्रेड लिया, थ्रेड से इनके ऊपर की लेंथ है जो, उसे शेप में कर रहे हैं। धीरे धीरे ये भी शेप में आ जाएगी। तो आपको भी इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से शेप में लेके आना है इनकी थ्रेडिंग को, जैसे आपके कस्टमर है। बाई चांस आप किसी का ही बनाते हो, हाथों से बिल्कुल भी हाथों को टाइट नहीं रखना है। टाइट रखती आपकी स्किन है जो थ्रेडिंग की, वो कट जाएगी, बाल हट जाएंगे एक्स्ट्रा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए किस तरह से हमने सफाई से इनकी थ्रेडिंग बनाई है। देखिए किस तरह से दोनों थ्रेडिंग की ग्रोथ है, वो सेम एकदम बिल्कुल सेम लुक में आई है, एकदम आर शेप में आई है। तो आप भी ऐसे ही करना और